आतंकियों की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी भारतीय सेना, अंकित शुक्ला। पूंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि, अंकित शुक्ला। पूर्व सैनिक समाज सेवा एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री संजय सिंह फौजी एनसीसी सीनियर अंकित शुक्ला ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में गुरुवार को आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के 5 जवानों को शुक्रवार शाम को कैंडल निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शनिवार को 150 मीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। एनसीसी सीनियर अंकित शुक्ला ने कहा, 20 अप्रैल 2023 को पूंछ जिले में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सेना के 5 बहादुरों को सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक में पूरी सैन्य परंपराओं के साथ पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया। समारोह में पूर्व सैनिक, एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे। एनसीसी सीनियर अंकित शुक्ला ने कहा, भारतीय सेना के बहादुर हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह, ये सभी पंजाब के मूल निवासी है और लांस नायक देवाशीष बिस्वार ओडिशा के मूल निवासी ने 20 अप्रैल 2023 को हुए आतंकवादी हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय सेना और हमारा गर्वित राष्ट्र शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है। एनसीसी सीनियर अंकित शुक्ला ने बताया, जम्मू कश्मीर की पूंछ में सेना कटरों किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ बल्कि इसे आतंकी हमले का शिकार हुआ। 20 अप्रैल की दोपहर को खबर आई कि पूंछ में सेना के ट्रक में अचानक आग लगने से 5 जवानों की मौत हो गई। हमले में शहीद हुए जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का हिस्सा थे। एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए, उसे राजौरी के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यहां श्रद्धांजलि सभा के मौके पर मोहित शुक्ला, शिवम नितिन, दिलीप, कमल, मानस, जगदीश आदि लोग मौजूद रहे। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ, अंशु श्रीवास्तव।